अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। इसमें हमको फिल्टर्स भी देखने हैं, तो फिल्टर्स हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, डिलीट करेंगे रेस्टोरेंट को। इसका जो मेथड रहेगा वो भी रहेगा डिलीट, और यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट मेथड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूआरएल पैटर्न में रख देंगे डायरेक्ट डिलीट, और ऑथ मिडलवेयर इसमें हमको लगेगा, तो ऑथ मिडलवेयर को भी आप ऐड करिए। बाद में हम क्या करेंगे, एक वेंडर के नाम से जो है ना सेपरेट मिडलवेयर इसमें बना लेंगे। अभी फिलहाल जो यूजर है वही ये सारी चीजें कर रहा है। उसके बाद में जो इनम्स है ना अपने पास, जैसे कि एडमिन हो गया या फिर रेस्टोरेंट का जो ओनर हो गया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसको डिलीट कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी भी अभी हमको इसमें ऐड करना है। यहाँ पे एक न्यू फंक्शन भी बना लेंगे कंट्रोलर के अंदर नीचे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट के नाम से कमेंट कर लेंगे, डिलीट रेस्टोरेंट। स्पेलिंग मिस्टेक को तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो कमेंट है। डिलीट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, डिलीट रेस्टोरेंट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और नीचे एक्सपोर्ट भी करना है पहले शुरू। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट्स के अंदर, और यहाँ पे डिलीट का जो कंट्रोलर अभी हमने बनाया है ना, डिलीट रेस्टोरेंट कंट्रोलर, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक भी है, देखिए रेस्ट टू नट हो गया ये। सो इसको फिक्स कर लेंगे पहले शुरू, रेस्ट टू ये है रन, ठीक है। कॉपी डबल से इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट्स में, और वापस से यहाँ पर टाइप करते हैं डिलीट रेस्टोरेंट। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं कंट्रोलर में, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव कर लेंगे, और ट्राई और कैच ब्लॉक हमको इसमें भी यूज करना है। आई होप आप थोड़ा बहुत इसमें फैमिलियर हो गए होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये है एरर। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। इसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर यहाँ पे एक्सेस कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज हमको यहाँ पर ऐड करना है, एरर इन डिलीट रेस्टोरेंट एपीआई। और जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब रेस्टोरेंट डिलीट कर रहे हैं ना, तो इसमें भी हमको आईडी लगेगा। सो आप क्या करें, डिलीट राउट के अंदर कोलन आईडी को पास करा दे, क्योंकि आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को डिलीट कराएंगे। चलते वापस रेस्टोरेंट कंट्रोलर में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी को फाइंड कर लेंगे, रेस्टोरेंट आईडी इक्वल टू, ये हम क्या करेंगे, गेट करने वाले रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स में, फॉर्म्स में हमको आईडी आएंगी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। इसका वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट रेस्टोरेंट आईडी, अगर इसकी आईडी नहीं मिलती है तो यहीं से क्या करो, रिटर्न कर लो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, प्लीज या फिर नो रेस्टोरेंट फॉर्म और प्रोवाइड रेस्टोरेंट आईडी। तो ये दो मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और अगर हमको आईडी मिल जाती है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिलीट करने का ट्राई करेंगे। और साथ ही में देखिए ये पैरम्स का भी वैलिडेशन मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, इफ नॉट रेस्टोरेंट आईडी, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। सेपरेटली हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट को भी चेक कर लेंगे, तो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, ये है डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज है, मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड रेस्टोरेंट आईडी। तो ये मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो दो वैलिडेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में रेस्टोरेंट को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो कॉन्स रेस्टोरेंट, या फिर डायरेक्ट भी हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम डिलीट करा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट डिलीट करने का ट्राई कर लेता हूँ। अब वेट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपल रेस्टोरेंट की आईडी को यहाँ पर पास करा देना है, और जैसे ही पास हो जाएगा फिर रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना सक्सेस कर देंगे थ्रू, और उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज रेस्टोरेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, और रेस्टोरेंट के अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट।
और इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे रेस्टोरेंट को। सो कमेंट भी बना ले आप इसके अंदर, और मेथड टाइप रहेगा अपना डिलीट। यहाँ पे यूआरएल चाहिए तो प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी आईडी के साथ में था अपने पास, देखिए सिंगल आईडी हमने गेट किया था ना सिंगल रेस्टोरेंट को, तो यही एपीआई को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें हमको देखिए हेडर्स के अंदर जो ऑथराइजेशन भी ऐड करना है, सो ऑथराइजेशन, और टोकन हम क्या करेंगे क्रिएट में से जो है ना टोकन को कॉपी कर लेंगे। सो ये रहा हेडर्स, यहाँ से हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे बीयरर टोकन को, और इसमें जो प्रीवियस यूजर है ना उसको मैं कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये किस लिए था, ये रिसेट के लिए था पासवर्ड, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। डिलीट अकाउंट का भी कट कर लेता हूँ। डिलीट रेस्टोरेंट में हम क्या करेंगे अब यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इसको, और सेंड पे आपको क्लिक करना है। देखिए एक बार आईडी को क्रॉस चेक करिए, ये आईडी हमारे पास है पिज्ज़ा हट वाली। चलिए यहाँ पे मैं डिलीट का ट्राई करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर एरर आ रहा है 404। ओके ये गेट है ना, तो गेट के बदले हमारे पास एंड पॉइंट है डिलीट, चेक कर सकते हैं आप। राउट्स के अंदर देखिए हमारे पास इसका जो एंड पॉइंट है ना स्लैश डिलीट स्लैश आईडी है। सो यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक कर लें, यहाँ पे हमने इसको कर दिया डिलीट। अब फिर से ट्राई करते हैं, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू, रेस्टोरेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं इसको डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो डेटाबेस है, और पिज्जा हट वाला हमने यहाँ पर डिलीट का ट्राई किया है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एक ही डॉक्यूमेंट अपने पास, और बर्गर किंग वाला हमारे पास एक ही रेस्टोरेंट अभी अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं आप। वापस से पोस्टमैन में जाके भी आप क्या कर सकते हैं गेट वाले को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पिज्जा हट वाला ना गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, अगर मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए नो रेस्टोरेंट फाउंड करके हमको शो करेगा। तो सक्सेसफुली हमारी डिलीट की भी एपीआई यहाँ पर काम कर रही है। इसमें हमको देखिए फिल्टर्स भी अभी ऐड करना है, तो वो सारे फिल्टर्स को भी हमको देखना है। साथ ही में आप इसको सेव भी करते चले, सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसका टाइप भी चेंज होता रहेगा, और इनकेस अगर आप बाद में भी आएंगे ना तो ये सेम रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। सेव कर लेता हूँ तो देखिए तो परफेक्टली हमारा रेस्टोरेंट का क्रड ऑपरेशन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कैटेगरी देख सकते हैं, फिर हमको और इसमें बहुत सी चीज़ें करनी है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है।